की चोट दिल पे लगी, बॉक्स ऑफिस रोने लगा। देखो अभी अगर शायद कपूर का कैमियो नहीं हुआ तो पिक्चर डिजास्टर है। इसको टीजर का टी भी नहीं है, पता नहीं कौन सी रोशन है, कौन सा उजाला है, कौन सा अंधेरा है, मालूम ही नहीं है हमको। हेलो वन मनी म्यूजिक भैया, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों इश्क विश्क रिबाउंड का टीजर रिलीज हो गया है, अचानक भयानक आया है टीजर। किसी को पता नहीं था ये टीजर आने वाला है, और हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू समृद्ध और मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर राकिब ने, तीनों ने देखा है ये टीजर इश्क विश्क रिबाउंड। पूरी नई कास्ट है, नए एक्टर्स है। शुरुआत करूंगा गोलू से, कैसा लगा ये टीजर इश्क विश्क रिबाउंड? सर जी अभी अगर इसकी मैं बात करूँ, इश्क विश्क आई थी हमारे शाहिद सर की, यस सर, वो टाइम पे जो चली थी ना पिक्चर वो अलग ही लेवल पे चली थी। और जितने भी हमारे 90s के किड है, आई थिंक मैं नहीं उसमें से, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने सर बहुत मजे मारे ऐसी पिक्चरें देख देख के। लेकिन सर उसमें ना जो शाहिद सर का रोल है ना बहुत इनोसेंट है, और बाकी दोनों लड़कियां थी जिनका, एक का नाम शहनाज और एक का नाम अमृता राव, सर इन तीनों के करियर का जो पिक था वो और बढ़ चुका था वो टाइम पे। ये पिक्चर के बाद में वो टाइम पे लव ट्राइंगल दिखाया था, और इसमें लव स्क्वायर दिखा रहे हैं लोग, बिटवीन द फोर पीपल दे आर लविंग ईच अदर, और कौन किसके पीछे, ज्योमेट्री, यस ओके, अनफाइंडिंग एक्स। अभी इसमें क्या होने वाला मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सर जी कुछ नयापन तो देखने नहीं मिला। और इश्क विश्क का जो एकदम फेमस गाना था ना सर जी, जो हमने बहुत झूमा है वो गाने पे, और सेम रिक्रिएट करके वैसा का वैसा गाना इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया, तो कुछ नया तो देखने नहीं मिला, और समथिंग ऑ वाला भी मूवमेंट नहीं था कि भाई क्या बनाया लोगों ने। टीजर कुछ नाम का टीजर लगा, सिर्फ ऐसा लगा इंट्रोडक्शन हो रहा है, हाँ समृद्ध भाई एज अ ये कैरेक्टर है, आकिब भाई एज अ ये कैरेक्टर है, और फिर चुम्मा चाटी दिखाई, पीछे से कुछ फ्लोरोसेंट कलर के बैकग्राउंड्स दिखा, एंड समथिंग कुछ क्लब वर्ब्स के गाने वाने दिखाए, दैट्स ऑल। इसको टीजर का टी भी नहीं है। और आपको मालूम है सर जी एक हंसने वाली बात क्या है, ये टीजर शायद आज आया है, आज कल आया है ना, कल का आके भी टीजर के सिर्फ 81 के व्यूज़ हैं। आपको एक बात बता दूं, हमारे विजय जी जब फॉर्म में रहते हैं ना तो इससे ज़्यादा व्यूज आते हैं उनके रिव्यूज़ पे, पता है आपको? मैं इनको क्या टिप्स दूं, क्या टिप्स दूं इनके ये आगे जाएं कि हिट कराएं। देखो सर जी थोड़ी बहुत अच्छी बातें भी मैं करूंगा कि ये अच्छा टीजर इन लोग ने ठीक ठाक निकाला है, लेकिन ये पिक्चर चल सकती है मैं बोलता हूँ, क्योंकि जेन जी के लिए, ये जनरेशन के लिए पिक्चर बनी, यूज जाएगी देखने। लेकिन एक बात है, प्रमोशन ढंग से नहीं करेंगे ना ट्रैश में दिखेगी पिक्चर ये सर जी, बिल्कुल मजा नहीं आया टीजर को देख के। तो फिलहाल गोवंडी के आशिक को पूछेंगे कैसा लगा इश्क विश्क, प्यार व्यार, कितने बार इश्क किया है गोवंडी वालियों से? हुआ, मेरे पीछे लड़ते रहते सर, होते रहता है, ज्यादा टिकता नहीं है, होते रहता है बस, कौन करेगा यार, एक के पीछे कौन मरेगा, किसी की आंखें अच्छी, किसी के बाल अच्छे, किसी के होंठ अच्छे। आपने ये सवाल पूछा, देखो कितना पसीना आ रहा है बिचारे को। अच्छा ये टीजर चला दो यार। ओहो हाँ सही में चला दो यार। कैसा लगा ये टीजर? टिप्स वालों ने, हाँ सर ये जो टिप्स वालों ने बनाया है, ये टिप्स वालों का हिप्स मुझे बराबर नहीं लग रहा है, मतलब वो हिप्स नहीं लग रहा जो हिप्स रहना चाहिए। हाई बोलना चाहते हो आप? हाँ हाँ वही वही, जो भी है हिप्स बोले तो समझ जाओ, समझदार लोग है। अच्छा कितना उठा के लिए, किस किस को उठा के लिए, पता नहीं कौन सी रोशन है, कौन सा उजाला है, कौन सा अंधेरा है, मालूम ही नहीं है हमको। सबको इन लोगों को सामने लाना पड़ेगा कि जिब्रान खान कौन था, ये क्या है। मुझे तो उसका फेस देख के याद आ गया कि हाँ भाई ये कभी खुशी गम में शाहरुख का बेटा था, रिश्ते फिल्म में अनिल कपूर का बेटा था, तो मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया। बाकी का जो दूसरा जो है एक्टर वो कौन है, तो मैंने तो ये भी बोल दिया कि भाई ऋतिक रोशन की बेटी है पश्मीना, क्योंकि पता चला कि राकेश की बेटी है, मतलब राजेश, अरे जो भी है देखा, ये मिस्टेक होती न्यू कमर्स को लेके आते तो। यस ढंग से लाओ, ढंग से, निर्मा से मुंह धुलाओ, निर्मा से नेपोटिज्म इज बैक। एक ही चीज इसकी अच्छी लगी, इश्क विश्क प्यार व्यार, वो भी सोनू निगम की आवाज में, अच्छा है कि इसके अंदर इन लोग ने किसी और को नहीं घुसा है। और फीमेल वॉइस में तो मैं ना प्रार्थना करूंगा नेहा को तो लेना ही नहीं। ये फिल्म आप बना रहे हो ना, ठीक है आप बनाओ, 21 तारीख को लेके आओ, लेकिन अगर शाहिद कपूर का कैमियो नहीं हुआ तो पिक्चर डिजास्टर है मेरे हिसाब से। शाहिद का कैमियो चाहिए, बोल शाहिद के साथ हमको शहनाज भी चाहिए, प्रमोशन प्रॉपर चाहिए, अमृता भी चाहिए। गोलू ने प्रमोशन नहीं रहेगा तो पिक्चर डिजास्टर है, शाहिद नहीं रहेगा तो पिक्चर डिजास्टर है। आता हूँ समूह के पास में, समूह हां जी, क्यूट इज अ क्यूटनेस, क्यूटनेस फ्रॉम शिवड़ी। बाप रे कैसा लगा ये इश्क विश्क? सर पटाई तुमने शूडी वाली? सर बहुत पटाई सर, बहुत 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 सारे लफड़े मैंने बहुत संभाल लिए इसके। हाँ नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिचारा मार खाने आता था, क्या करे अभी। चलो कोई बात नहीं, देखो अभी टीजर अपील किया कि नहीं किया,
देखो ये जो गाना है ना कि चोट दिल पे लगी बॉक्स ऑफिस रोने लगा, देखो अभी भी बॉक्स ऑफिस रो रहा है। हाँ, तो 21 जून को बॉक्स नहीं बॉक्स ऑफिस बोलते हैं ना, बॉक्स ऑफिस 21 जून को शायद से रो भी सकता है क्योंकि ये टीजर यार है, ठीक है, सो सो मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट वॉज अ टीजर, सिर्फ हम लोग बोलते हैं ऐसा एक टीज की है, सिर्फ टीज की है। गर्लफ्रेंड ना होने के नतीजे देख रहे हो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या करे जाने मन। हाँ देखो अभी ये सिर्फ टीज की है सर, क्योंकि अभी हम लोग इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक तो है हम लोग गाली देने के लिए, क्या बाबा टीजर है, टीजर में क्या तुम लोग पिक्चर विक्चर दिखाएंगे क्या, नहीं लेकिन देखना है। हाँ देखो अभी कैसा हो गया सर, इसमें सब लोग का इंट्रोडक्शन किया है, वो रोहित सबवे सफर सॉरी रोहित सफर है, उसके बाद वो कौन सी पश्मीदा रोशन, उसके बाद वो क्या जहीर खान, वो से उसको उसको शक्ल देख के जिब्रान जिब्रान उसमें थे, और कौन है बोला उसमें ग्रेवाल करके ग्रेवाल ना नायला ग्रेवाल, तो देख के तो मुझे कास्ट मुझे ज्यादा अपीलिंग नहीं लगी, रोहित सबवे सफर अच्छा लगा मुझे थोड़ा, लेकिन यस हाँ वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा वो, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, वो गुड लुकिंग है, क्योंकि उसको मैं लास्ट में उनको शायद से विक्रम वेदा में देखा था, विक्रम वेदा में और नेटफ्लिक्स यंगस्टर्स में फैन फॉलोइंग है वो, क्यों इन्फ्लुएंसर वो रील व्यूज में थोड़े अच्छे लगते है। अभी उसमें एक शायद से उनका नेटफ्लिक्स पे उनका मोस्टली सेंड किया एक वेब सीरीज भी आई थी शायद से, थोड़ा हिट हुआ तो यार बड़े पर्दे पे चलेगा नहीं चलेगा डाउट है। लेट्स सी, अभी वो बोलते ना बॉक्स ऑफिस का वो भूखी जाने, अभी क्या कर सकते हैं, ऑडियंस का वो प्यार मिलता है कि नहीं अभी वो मालूम नहीं, लेकिन ये वो जो पुरानी प्रमोशन, हाँ देखो अभी वो पुरानी जो फिल्म थी ना वो गाने पे पिक्चर चली थी सर, मुझे अभी भी याद है वो दौर, मुझे अभी भी याद है जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था वो अपने पिक्चर आई थी और वो जो गाना चल रहा था दना दन दना, हर एक वो MTV पे ETC पे सब जगह वो गाने चल रहे थे, इतनी जबरदस्त चल रहे थे ना वो गाने, उसके बाद पिक्चर चली। अभी इसके ऊपर देखते हैं कि टीजर में सिर्फ एक शॉर्ट गाना डाला है, वो फ्रेम्स दिखाया उन्होंने, वो प्यार वाला मोहब्बत वाला शॉर्ट दिखाया, इनको किसिंग सीन पसंद है मुझे तो जमा ही नहीं, फिर तो टीजर में किसिंग सीन दिखा देखना मतलब क्या मतलब होते ना पॉन अप का सॉरी वो चलो ठीक है, लेकिन यस मुझे टीजर ठीक ठाक लगा, सो लगा। तो अभी 21 जून को रिलीज हो रही है, एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही है क्योंकि उसके बाद कल की शायद से रिलीज हो रही है ना, तो टिप्स वाले थोड़ा टिप्स देना चाहूंगा कि प्रमोशन तगड़ी करो तो ही ये न्यू कमर्स को पब्लिक देखने को आएगी, क्योंकि न्यू कमर इतना थोड़ा डर लगता है, प्रोड्यूसर को थोड़ा डर लगे, उसमें थोड़ा बजट भी दिख रहा है, टीजर से जिस तरह से शूट किया थोड़ा बजट लग रहा है कि फूक फूक के रमेश तौरानी ने थोड़ा डाला है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यस मुझे तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन है फिल्म से। ओके यस, चलिए टीजर में बातें हो गई है, ठीक ठाक लगा है, लेकिन प्रमोशन की बहुत ज्यादा आगे की होनी, जाने दो, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आएगा और आके हम बातें करेंगे उनके यूनिट्स पे।